प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल का असर दीपावली में देखने को मिल रहा है। भारतीय दिया और सीरीज बल्ब के बाजार पर चीन का एकाधिकार खत्म हो रहा है। नतीजा कुम्हारों के चेहरे खिलने लगे हैं। वैशाली से रतन कुमार की खास रिपोर्ट। इस बार बाजार में मिट्टी के दिए और मिट्टी से बने खिलौनों की मांग बढ़ गई है। अब थोड़ा बहुत चल रहा है, पहले थोड़ा बहुत चल रहा था, अभी महंगाई के कारण, अब चाइनीज बॉल के कारण मार पहले पड़ गया था, अभी सिस्टम में कुछ आ गया, मोदी जी लेके आए तो बंद करवाए, तो अभी पहले से डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ गया है। कुम्हारों की माने तो 2-4 साल पहले चीन के इलेक्ट्रॉनिक और खूबसूरत दियों की वजह से मिट्टी के दियो के खरीदार कम हो गए थे, लेकिन कोरोना के बाद मिट्टी के दियों की मांग अचानक से बढ़ गई है। त्योहारों के समय ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुम्हारों का पूरा परिवार दिया बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि इस बार मिट्टी के दियों की मांग हाजीपुर के अलावा पटना, बरौनी और मुजफ्फरपुर में भी आ रही है। पहले तो 10-15 साल पहले से बहुत, अब तो ठीक चल रहा है, बाजार ठीक रहेगा। सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने के कारण चीन के बने दिए और खिलौने तथा इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग पहले हर साल दिवाली पर काफी बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे ने बाजार का दृश्य ही बदल दिया है। हर जगह इको फ्रेंडली गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति के साथ ही मिट्टी और गोबर से बने खूबसूरत दियों से बाजार सज गए हैं। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।